हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एमवी वर्ल्ड फैक्ट पर। दोस्तों, आज आप ऐसे देश के बारे में जानेंगे जहां रात ना के बराबर होती है। ये देश क्षेत्रफल के मामले में दुनिया में 12वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहां की आबादी के हिसाब से बहुत ही कम है। इस देश की कुल जनसंख्या मात्र 57,000 है और इस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड देश के बारे में। ग्रीनलैंड का मतलब होता है इंसानों का देश। ये एक ऐसा देश है जो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, फिर भी इसको यूरोप का ही एक हिस्सा माना जाता है। ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर नूक है, जो ग्रीनलैंड की राजधानी भी है। यहाँ की जनसंख्या करीब 17,000 है। यहाँ पर ग्रीनलैंड विश्वविद्यालय, आर्ट म्यूजियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम, कल्चरल सेंटर और देश का इंटरनेशनल एयर क्लब मौजूद है। ग्रीनलैंड एक ऐसा नाम है जिससे हमें लगेगा कि यह देश सिर्फ ग्रीनरी से भरपूर होगा, इसी वजह से इसका नाम ग्रीनलैंड है, पर ऐसा नहीं है। ग्रीनलैंड का लगभग 85% हिस्सा सिर्फ बर्फ से ही ढका हुआ है। दुनिया में ग्रीनलैंड एक लौता ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी तरह की रेलवे सिस्टम मौजूद नहीं है, और यहाँ पर ज्यादा मात्रा में बर्फ मौजूद होने की वजह से गाड़ियाँ भी कम है। इसलिए ही यहाँ के लोग ज्यादातर बोट, हेलीकॉप्टर, प्लेन या डॉग स्लेट से ही अपनी यात्रा करते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का ऐसा देश है जहाँ गर्मियों में सूरज कभी ढलता नहीं है। अगर आप रात के 12 बजे भी देखेंगे तो यहाँ दोपहर जैसा लगता है। यहाँ के लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी है। 21 जून जो दुनिया का सबसे लंबा दिन माना जाता है, उस दिन यहाँ नेशनल हॉलीडे होता है। यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा महीना अगस्त होता है। ग्रीनलैंड का औसतन तापमान -6 डिग्री होता है। यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में जहाँ सूरज लगातार 2 महीने तक डूबता नहीं है, ऐसे स्थिति में भी तापमान 0 से 4 डिग्री के आसपास ही रहता है। पोलर बियर नामक ठंडे प्रदेश का भालू अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि ये ठंड में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ग्रीनलैंड में चाइल्ड बेनिफिट्स पाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जैसे कि आपकी वाइफ ग्रीनलैंड की होनी चाहिए, आपका बच्चा 18 साल से कम का होना चाहिए, आपका बच्चा ग्रीनलैंड के निवासी के रूप में रेसिडेंट होना चाहिए, और ग्रीनलैंड में आप चाइल्ड बेनिफिट्स के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपके एनुअल इनकम के कमाई के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। वहाँ की गवर्नमेंट ने एग्जैक्ट ये नहीं बताया है कि किसको कितने मिलेंगे। हर आदमी को उसकी जरूरत और कमाई के हिसाब से ही उनके अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। डेनमार्क से अलग होकर भी जब भी जरूरत पड़ती है, डेनमार्क ग्रीनलैंड की मदद करता है। यहाँ आज भी डेनमार्क की ही करेंसी डानिश क्रोन चलती है, जो कि 1 डानिश क्रोन इक्वल्स टू 10.88 इंडियन रुपी होते हैं। हालांकि अब ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा नहीं है। इस देश में शहर में रहने वाले लोग ज्यादा हैं, वहीं शहर में 87.3% लोग रहते हैं, तो वहीं गांव में सिर्फ 12.7% लोग ही रहते हैं। ग्रीनलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीनलैंडिक है, जिसे 70% लोग बोलते हैं, और वहीं 30% लोग अभी भी डानिश भाषा ही बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ के ग्लेशियर भी पिघलने लगे हैं, जो कि एक खतरे की घंटी मानी जाती है पूरी दुनिया के लिए। पर यहाँ की सभी विशेष ताओं की वजह से पूरी दुनिया से सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ आपको जो नजारा देखने को मिलेगा, शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सबको ग्रीनलैंड के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।